वेलकम टू द इंडियन कंज्यूमर चैनल माय फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए। आप में से काफ़ी लोग मुझे रीच आउट किए थे टेलीग्राम पे कि मुझे बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी है ये, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने भी ये स्ट्रैटेजी किसी से सीखी है और मैं एंड में क्रेडिट दे दूंगा उस बंदे को, पर आप लोगों सबके लिए ये स्ट्रैटेजी हो सकता है काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं अपस्टॉक्स, और जैसा कि ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है तो हम इसमें बैंक निफ्टी का स्पॉट का और फ्यूचर का चार्ट दोनों ओपन कर लेंगे साइड बाय साइड, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन दोनों चार्ट को देख के ही आएगा। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ फिलहाल। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया, बैंक निफ्टी फ्यूचर है ये, और उसके साइड में मेरे पास स्पॉट का भी है। अब हम इसमें लगाएंगे एलिगेटर, जो कि क्योंकि ये एलिगेटर स्ट्रैटेजी है तो एलिगेटर हम इस पे पहले लगा लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, एलिगेटर इस स्ट्रैटेजी में क्या है कि तीन लाइंस हैं और हमको कंसिडर करनी है ओनली जॉ लाइन। आप चाहिए तो टीथ और लिप को हाइड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, पर सिंपल है कि जब ये स्ट्रैटेजी के तीनों लाइंस दूर दूर हों तो मतलब ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और जब वो इंटरलिंक एक दूसरे को एक होए तो एलिगेटर का मुंह क्लोज है और वो कोई भी ट्रेंड में नहीं है, तो उस वक्त आप ट्रेड मत लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बीच में कि एलिगेटर का मुंह क्रिस क्रॉस हो रहा है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब भी इसका मुंह खुल जाएगा तब हमें इसमें ट्रेड लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो हम इसमें से टीथ और लिप को हाइड कर देंगे फिलहाल। ओके, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ दोनों को, और फिर हम देखते हैं कैसे चलती है ये स्ट्रैटेजी। इसके पहले कि हम स्ट्रैटेजी को डिटेल में देखें, एक दो प्री कंडीशन बता देता हूँ। गैप डाउन और गैप अप, जहाँ पे भी 200 पॉइंट से ज़्यादा हो तो आप थोड़ा कॉशियस रहिए इस स्ट्रैटेजी को लेके। गैप डाउन हुए तो आप ऊपर के साइड का ही ट्रेड देखिए, और गैप अप हुए तो आप नीचे के साइड का ही ट्रेड देखिए। ओके, और स्पॉट के चार्ट में आपको हाई कैनआईसी लगा देना है, और फ्यूचर के चार्ट में आपको नॉर्मल कैंडल्स लगा देनी है। ओके, ये है इसका प्री कंडीशन जो आपको फॉलो करना है हमेशा। और दूसरी बात, टाइम फ्रेम रहेगा इसका 15 मिनट का चार्ट, उससे कम में ये स्ट्रैटेजी शायद वर्क ना करे। मैंने टेस्ट नहीं की है तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए। उससे कम में सिग्नल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको और इंट्राडे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 15 मिनट ही फॉलो कीजिए। और रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 या 1:1.5 रखिए, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे करना है। पहले मैं चार्ट सेट कर लेता हूँ और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लेटेस्ट 12 जून को। ओके, सो 12 जून को स्ट्रैटेजी में क्या करना है, जैसे मैंने बताया बाय करना है अगर जॉ लाइन से नीचे से ऊपर हमारा ट्रेंड जा रहा हो, और सेल करना है अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो। तो आप देख रहे हैं 12 जून को करीब दोपहर के 2 बजे तक कुछ भी ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जस्ट इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, पर अगर हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो हम ये स्पॉट का प्राइस है तो हम फ्यूचर प्राइस में भी देखते हैं। तो कितने बजे की कैंडल है इसके ऊपर क्लोज, 2 बजे की। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2 बजे क्या हुआ है, या देख रहे हैं 2 बजे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसके क्लोज के ऊपर अपना टारगेट बाय का सेट करना है। यहाँ पर आप बाय करेंगे, ओके, और इसका स्टॉप लॉस होएगा ये कैंडल का लो, ओके, जो आप देख रहे हैं 20,188, और बाय कहाँ करेंगे 20,307 के यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम जैसे ही बाय किया ये कहाँ तक गया है हम देखें, 20,730, सो करीबन 350-400 पॉइंट का इसने यहाँ पे हमको टारगेट दे दिया है। ओके, और अब देखेंगे स्टॉप लॉस आपका हिट बिल्कुल नहीं हुआ है। जो एडवांस प्लेयर हैं वो इसमें 100 पॉइंट का रिस्क 100 पॉइंट का रिवॉर्ड रखते हैं। अगर अगर आप जो बेसिक प्लेयर हैं वो 100 पॉइंट का रिस्क और 100 पॉइंट का रिवॉर्ड रख सकते हैं, अगर अगर आप एडवांस हैं आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये हुई बात 12 जून की। अब इसको पीछे चल के देखते हैं दूसरी डेट पे क्या हुआ है इसमें। ओके, यहाँ पे देखेंगे पहले दो कैंडल को, हाँ एक और चीज, पहले दो कैंडल को आपको इग्नोर करना है, उसके बाद में ही ट्रेंड कुछ बनेगा तब हम इसे फॉलो करेंगे।
तो आप देख रहे हैं इसमें जाके ट्रेंड बना है 11 बजे। ओके, 11 बजे इस जॉ को क्रॉस करके ये रेड कैंडल बनी है जिसका लो है 2835 का। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कि नहीं वो हम कंफर्म करेंगे स्पॉट के प्राइस पे। ओके, तो स्पॉट का यहाँ पे कितना था हमारा, कितने बजे की कैंडल, 11 बजे की कैंडल थी। अब यहाँ पे कितने बजे की कैंडल है, देखिए अब 11 बजे की कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है उसके नीचे, राइट, और ये 11:15 बजे यहाँ पे क्लोज हो रही है इसके नीचे। ओके, तो 11:15 बजे हम ट्रेड लेंगे। सो करीबन यहाँ पे कुछ आएगा, आपको समझिए 11:15 बजे की कैंडल, यहाँ पे आपने इसको सेल कर दिया। ओके, 100 पॉइंट का टारगेट लगाया यहाँ पे, इसके लो पे आपने सेल किया, 100 पॉइंट का टारगेट लगाया, तो ये कितना था देखें, 2839 पे है और ये गया 2664। ओके, ऑलमोस्ट 125 पॉइंट। और अगर आप और भी होल्ड करेंगे, ट्रेल कर लेंगे, ट्रेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, मगर अगर आप इसमें स्टॉप लॉस वही रखते तो शायद आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा 400 पॉइंट मिल जाते, पर कुछ नहीं तो कुछ आपको करीबन 150-200 पॉइंट्स तो यहाँ पे मिल ही गए हैं, 125 पॉइंट्स, राइट। ये हो गया 11 जून का। अब देखते हैं उसके प्रीवियस डे 10 जून, 10 जून को देखते हैं क्या हुआ। पहली दो कैंडल छोड़ दी, ट्रेंड नहीं बना, ट्रेंड नहीं बना। अब ये कैंडल देखिए 12:45 की, ये इस पे ऊपर क्लोज हो गई है। ओके, अब 12:45 हम स्पॉट में भी देखेंगे क्लोज हुआ है कि नहीं। 12:45 देखिए, 12:45 देखिए आप कहाँ पे है, तो हमारा बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है फिलहाल। ओके, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद कब हुआ है क्लोज, उसके बाद में ये हुआ है क्लोज, राइट। तो आप इसमें कहाँ पे, इसके क्लोज पे ट्रेड लीजिए 21,184, और आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। ओके, ये कितने बजे की कैंडल, 3 बजे की कैंडल। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 बजे की कैंडल ने क्लोज दिया है क्या, हाँ इसने भी दिया है। ओके, तो आप पॉइंट कितने मिलते हैं क्योंकि हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो 21,186 पे हमने लगाया और आ गया है 21,299, सो 301, सो ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स। तो चलिए हम नेक्स्ट डे का देखते हैं। अभी हमने देखा 9 जून, हम 8 जून पे देखते हैं क्या हुआ इसमें, नहीं 9 जून देखते हैं अभी, पहले तो ये देख लिया था हमने जिसमें लास्ट में स्पाइक हुआ था, अब ये देखते हैं 9 जून। ओके, 9 जून में जो क्लोजिंग नहीं है करीबन 10 बजे, इसकी रेंज है 21,284 के करीब है, और स्पॉट में देख लेते हैं, फ्यूचर में देख लेते हैं, 9 जून में भी ये क्लोज हो गया है 10 बजे के करीब, अराउंड 21,380। यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो 21,380 से 21,580, करीबन 200 पॉइंट का आपको इसने टारगेट दे दिया है और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, दोपहर को मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट रिवर्स हुआ तो कौन सी कैंडल एलिगेटर लाइन के नीचे बनी, ये 1 बजे की कैंडल, इसका लो था 21,179, 21,180 के करीब समझिए आप इसको। ओके, ना 1 बजे यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं, 1 बजे ये देखिए 1 बजे यहाँ पे भी क्लोज हो गई थी, राइट, या आप बहुत इसको जूम करके देखना पड़ेगा, ये जस्ट पे क्लोज हुई, तो समझिए आपने 1:15 पे इसको लिया, आपने 1:15 पे आपने ले लिया तो यहाँ पे हो गया 29,21,087, और वहाँ से इतना गया ये 21,567। ओके, तो करीबन 450-500 पॉइंट गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना मुनाफा हुआ इसमें, आपको बाय साइड भी मिला, सेल साइड भी मिला। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एलिगेटर इंडिकेटर 15 मिनट, स्पॉट में हाइकन आइशी का चार्ट और फ्यूचर में नॉर्मल कैंडल, गैप अप गैप डाउन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, और जब ये ऊपर या नीचे काटे और हमको कंफर्मेशन स्पॉट के प्राइस पे भी मिले तब हम इसे ट्रेड करेंगे, और जैसे ही हम इसे ट्रेड करेंगे आप देख सकते हैं अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें तो आप पूरा पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं, राइट।
मैंने इसे करीबन 1 साल बैक टेस्ट भी किया है, आप भी चेक करके देखिए। स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई भी मार्केट में आपको ये फ्री में नहीं सिखाएगा, हज़ारों रुपए लेगा, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अर्जुन भाटिया जी को, जिनसे मैंने ये स्ट्रेटजी सीखी है, बहुत ही अच्छी है। मैंने फ्राइडे को लगाई थी इसे और मुझे तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें मुनाफा भी हुआ। अगर आप फ्यूचर के बदले ऑप्शन में ट्रेड करें तो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इन द मनी का ऑप्शन राइट कर दीजिए आप, और उसको जैसे सिंथेटिक फ्यूचर हम बोलते हैं, राइट, तो आप उसमें से भी गेंस कर सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होए तो काफ़ी मेहनत लगी है, फ्री में मैंने आपको बताया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।